हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सुपर डीम जे में स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेके आए साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन आंसर, जो दोस्तों ऑल एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों ये वन लाइनर क्वेश्चन आंसर सीरीज का पार्ट नंबर 19 है। इससे पहले सभी पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया, वहाँ से जाके आप सभी पार्ट देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, वह है पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है। तो उस पौधे का नाम है क्लोरेला। क्या नाम है? क्लोरेला एक ऐसा पौधा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है। प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा पाशुरेला पेस्टिस द्वारा। ठीक है, पाशुरेला पेस्टिस जीवाणु द्वारा प्लेग की बीमारी फैलती है। अब दोस्तों जीवाणु आया है, जीवाणु के बारे में जान लेते हैं। अब पूछा जाता है एग्जाम में कि जीवाणु की खोज किसने की है। तो जीवाणु की खोज की है एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। किसने की है? एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1676 ईस्वी में। कब की है? 1676 ईस्वी में जीवाणु की खोज की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? तो केंद्रक को। ठीक है, केंद्रक को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जान लेते हैं कोशिका की खोज किसने की है। तो कोशिका की खोज की है रॉबर्ट हुक ने। किसने की है? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की है 1665 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अब जान लेते हैं कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आया केंद्रक। अब जान लेते हैं केंद्रक की खोज किसने की है। तो केंद्रक की खोज की है रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की है? केंद्रक की खोज की है रॉबर्ट ब्राउन ने, और कोशिका की खोज की है रॉबर्ट हुक ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? तो फाइब्रोनोजेन। ठीक है, फाइब्रोनोजेन प्रोटीन जो होता है रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसमें दोस्तों पूछा गया है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है। इसमें दोस्तों पूछा गया है कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है। तो हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी होती है। पागल कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नेक्स्ट है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार के घड़ी का प्रयोग करते हैं। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का प्रयोग करते हैं। तो स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसमें दोस्तों पूछा गया है, किरचॉफ के नियम से क्या समझते हैं। किरचॉफ के नियम से क्या समझते हैं? तो अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। किरचॉफ के नियम से क्या समझते हैं? तो अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नेक्स्ट है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो किस पर करती है? ताप पर निर्भर करती है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया है, कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है। कौन सा ऊतक शरीर के ताप क्रम को नियंत्रित रखता है?
तो संयोजी ऊतक, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नेक्स्ट है, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है? पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा होता है। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसमें दोस्तों पूछा गया है, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कौन सी है? हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कौन सी है? तो कौन सी है? धमनी, आर्टरी, ठीक है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कौन सी है? तो धमनी है, जिसे आर्टरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नेक्स्ट है, टिटनिस द्वारा शरीर का प्रभावित अंग है। टिटनिस द्वारा शरीर का प्रभावित अंग है, तो कौन सा अंग प्रभावित होता है टिटनिस रोग से? तंत्रिका तंत्र, ठीक है, तंत्रिका तंत्र जो होता है टिटनिस रोग से प्रभावित होता है। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि जो कोड रोग होता है, ठीक है, कोड रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक है, रेबीज से भी तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसमें दोस्तों पूछा गया है, शैवाल ईस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? शैवाल ईस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, एमीटोसिस। शैवाल ईस्ट अमीबा में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसे एमीटोसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नेक्स्ट है, कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? इसमें दोस्तों पूछा गया है कि कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है, तो सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर, सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर कांच प्राप्त किया जाता है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसमें दोस्तों पूछा गया है, नाखूनों और बालों में उगने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है? नाखूनों और बालों में उगने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? क्रीटिनोफिलिक, ठीक है, क्रीटिनोफिलिक कहा जाता है। नाखूनों और बालों में उगने वाले ऊतकों को क्रेटिनोफिलिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नेक्स्ट है, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? इसमें दोस्तों पूछा गया है कि जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है, तो किसका मिश्रण होता है? जस्ता एवं निकिल का, ठीक है, जर्मन सिल्वर जस्ता एवं निकिल का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसमें दोस्तों पूछा गया है, किस खनिज को बेवकूफों का सोना फूल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है? किस खनिज को बेवकूफों का सोना, जिसे फूल्स गोल्ड के नाम से जानते हैं, तो वह कौन सा खनिज है? आयरन पाइराइट या आयरन सल्फाइट, ठीक है, आयरन पाइराइट या आयरन सल्फाइट को फूल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नेक्स्ट है, एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है? इसमें दोस्तों पूछा गया है कि एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है? 10^-10 मीटर, ठीक है, 10^-10 मीटर एक एंगस्ट्रम के बराबर होता है। तो दोस्तों मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दिए, तो दोस्तों आपको मुझे बताना मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आपको कोई कमेंट है, सुझाव है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।